रूस के खिलाफ जापान ने भी बड़ी कार्रवाई की और चार रूसी बैंकों की संपत्ति फ्रीज करेगा जापान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूसी बैंकों में कई बैंक शुमार है जिसमें वीटीबी भी शामिल है और कहा जा रहा है ऐसे कई बैंकों पर हम कार्रवाई करेंगे। रेडकॉम बैंक पर भी जापान कार्रवाई करेगा, ये रूसी बैंक है। और इससे पहले आपने देखा था कि स्विफ्ट से भी बाहर का रास्ता रशिया को दिखा दिया गया था, यानी हर तरीके से पाबंदी लग रही है रशिया के ऊपर, आर्थिक चोट देने की बड़ी कार्रवाई। सर आपको लगता है कि इस आर्थिक चोट से कोई असर अभी भी होगा, क्योंकि हमने ये भी खबर देखी कि रूस में एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग रही है, लोग त्रस्त है, पैसों की कमी हो रही है, रूबल भी गिर रहा है लगातार। लड़ाई में आर्थिक जो सैंक्शन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रशिया की हालत है इस समय रशिया वापस नहीं जा सकता। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस पूरी लड़ाई में, दो महाशक्तियों की लड़ाई में, यूक्रेन की लोकेशन ऐसी है कि उस लोकेशन के कारण वह यूक्रेन में जो ये हालात हैं वो हो रहे हैं। तीसरी बात, जो अमेरिका है और जो वेस्ट है वो भी कोई होली काउस नहीं है। उन्होंने, अगर आप देखें, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि लड़ाई के अंजाम कुछ भी हो, रूस रशिया को फाइनेंशियली नुकसान तो हो ही रहा है। एक रिसर्च ये कहती है कि 100 करोड़ रोज खर्च हो रहे हैं रशिया को इस वॉर लड़ने। और ठीक है अंजलि, अंजलि हमारे साथ हैं। विपिन, एक राय इसको लेनी चाहिए, एक रिएक्शन होना चाहिए कि अमेरिका का कैसे फायदा हो रहा है। बिल्कुल, अमेरिका का कैसे फायदा हो रहा है और रूस के खिलाफ यूक्रेन ने जो भिड़ने की हिम्मत की है, रूस का हश्र क्या होने वाला है। सर दो सवाल, अमेरिका को फायदा क्या होगा और क्या रूस के सामने यूक्रेन टिकने वाला है कहीं से भी? देखिए, अभी जो हम सब बात कर रहे थे, मुझे कुछ ऐसा इंप्रेशन लगता है कि या तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसमें अमेरिका की गलती है और कुछ कहते हैं कि यस, शायद रूस ने मिसकैलकुलेशन किया है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये दोनों बातें सही हैं। ये रूस को पहले तो एक कॉर्नर पर डाला गया, वो पूरी वेस्टर्न पावर्स ने और अमेरिका ने। क्यों ये डाला गया? समझ, इसको ऐसे समझा जाए, एक तरफ रूस ने मिसकैलकुलेशन, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल कि दुनिया के सर जितने भी बफर स्टेट हैं, जितने भी महाशक्तियों के बीच छोटे देश हैं, वो सब अब डर जाएं कि कल को किसी को थ्रेट होगा तो उसको उखाड़ फेंका जाएगा, ऐसा ही एग्जांपल कम से कम यही जा रहा है। Unfortunately, yes. लेकिन जहां तक sanctions की बात है, जापान selectively सिर्फ रशिया को क्यों टारगेट करेगा? जो चाइना openly support कर रहा है, ये उसके खिलाफ क्यों नहीं sanctions हैं? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।